केंद्रीय विद्यालय कुल्लू के स्टूडेंट निर्जा सत्यार्थी ने बेटी बचाओ संदेश के साथ एक म्यूजिक एल्बम बनाया है। एल्बम को पहाड़ी लोक कलाकार रुमेल सिंह ठाकुर ने रिलीज किया। आई कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड नाम के एल्बम के गीत निर्जा के पिता ने लिखे हैं। निर्जा ने गाने का अर्थ बताते हुए कहा कि अगर बेटियों को भी आगे आने का मौका दिया जाए तो वे भी बेटों से किसी तरह से कम नहीं है। बेटियां भी अपने माता पिता का बुढ़ापे में भी सहारा बन सकती हैं। 11 साल की निर्जा के एल्बम में गीत पिता अभिनव सत्यार्थी ने लिखे हैं। सत्यार्थी इससे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर दो किताबें भी लिख चुके हैं। दोनों ही किताबों का राज्यपाल आचार्य देवव्रत विमोचन कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब ये कि लड़कियां भी उड़ सकती हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं अगर उनको आप मौका तो देकर देखो। एक बार आपने मौका दिया नहीं कि वो देंगी, बट अगर आप पहले ही कर दोगे कि नहीं लड़कियां नहीं कर सकती हैं, वो मतलब बोझ होती हैं बस, फिर नहीं हो सकता। तभी तो कई घर बर्बाद हो चुके हैं। आपके पापा जो हैं बेटी के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है कि मेरे पापा बाकी की तरह नहीं है। कि मतलब मेरे पापा हम लड़कियों को कहते हैं कि नहीं आपने आप बनना चाहते हो जो आप बनो, आप अपनी उड़ान भरो और आप जो करना चाहोगे मैं रोकूंगा नहीं, पर मैं आपके साथ चलूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। तो आपको ये जो कि मैंने एक गाना बनाया है और उसको लयबद्ध भी किया है, उस गाने को रुमेल सिंह ठाकुर जी के हाथों रिलीज कराने के लिए अब मैं यहाँ पे आया हूँ। क्या गाना किया था और क्या गाने सर? गाना इंग्लिश में है और गाने के बोल है उसका आई कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड आई कैन शाइन लाइक ए बर्ड। तो ये गाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विचारधारा को डेडिकेटेड है सर। तो इस गाने में जो आपने बोल लिखे हैं क्या है ये? जी बोल मैंने आपको जैसे शुरू से कहा कि आई कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड आई कैन शाइन लाइक ए पर्ल गिव मी ए चांस टू सर्वाइव। बेटी समाज से ये कह रही है कि मुझे आप आगे बढ़ने का मौका दो, कुछ करने का मौका दो, मैं भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकती हूँ, मैं एक पक्षी की तरह एक परिंदे की तरह उड़ सकती हूँ, बस मुझे एक मौके की तलाश है। जी आपने बेटियों के ऊपर और भी कुछ काम किया? जी जी मैंने एक किताब लिखी है दो फूल मेरे आंगन के, उस किताब का शीर्षक है दो फूल मेरे आंगन के। जो दो फूल हैं वो सिम्बलाइज करते हैं मेरी बेटियों को, क्योंकि मेरी दो बेटियां हैं। ये किताब बेटी बचाओ विचारधारा को ही समर्पित है और इसमें मैंने कविताएं लिखी हैं और उसका चित्रांकन, उन कविताओं को चरितार्थ करना, उनको उनकी थीम को बताना, उसके लिए चित्रांकन मेरी बेटी ने किया है, निजा सत्यार्थी ने किया है। तो ये किताबें आपके किसने नोट की? ये किताबें सर मैं आपको गर्व से कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने दोनों किताबों का विमोचन किया है सर। एक तो किताब थी दो फूल मेरे आंगन के जो बेटी बचाओ के लिए थी और दूसरी किताब रोशनी की ओर जो कि नशा मुक्ति पर मैंने लिखी है, उसमें भी मैंने 10 कविताएं लिखी हैं और जिनका चित्रांकन मेरी बेटी ने किया है।